शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। मेंढक और सांप। एक सांप ने एक झील में रहने वाले सारे मेंढकों को खा जाने की योजना बनाई। सांप ने मेंढकों को से कहा, एक ब्राह्मण के सांप के कारण मैं तुम लोगों की सेवा करने यहाँ आया हूँ। मेंढक राज बहुत उत्साहित हुआ और मेंढकों को यह बात बताया। सारे मेंढक उछल कर सांप की पीठ पर चढ़ के सवारी करने निकल पड़े। अगले दिन सांप बोला, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तेजी से रेन तक नहीं पा रहा हूँ। मेंढक राज बोला, तुम अपनी पूछ पर सबसे पीछे बैठे सबसे छोटे मेंढक को खा सकते हो। सांप ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में सांप एक एक करके सारे मेंढकों को खा गया। केवल मेंढक राज ही बचा। अगले दिन मेंढक राज फिर बोला, तुम अपनी पूछ पर सबसे पीछे बैठे एक मेंढक को खा सकते हो। सांप तुरंत उसको खा ही गया। धन्यवाद दोस्तों।